ओके, जय हिंद प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो कि क्लास 11th के हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर चाहे आप क्लास 11th में साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्लास 11th का आपका कल यानी कि 20 सितंबर 2023 को जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जो कि सभी बच्चों के पास में होता ही है। कल आपका इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मिड टर्म का जो पेपर होने वाला है, इसके लिए आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो डेफिनेटली बच्चों आपको कल के आपके मिड टर्म के पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पेपर को तो समझेंगे ही, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के लिए एक जो बेसिक सा फॉर्मेट होता है कि आप पूरे के पूरे नंबर उससे कैसे लेके आ सकते हैं, वो भी यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पेपर और क्वेश्चन विद फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दिया जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये जो हमारा सैंपल पेपर है, ये सैंपल पेपर नंबर हमारा तीसरा होने वाला है। दो सैंपल पेपर ऑलरेडी हमने आपको मिड टर्म के एग्जाम के लिए समझा दिए हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास में, सर जी कल पेपर है, कुछ और अच्छा सा और बता दीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो आपकी स्पेशल डिमांड पे हम आपके लिए अपनी तरफ से सैंपल पेपर नंबर 3 को लेके आए हैं, और इसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो पेपर है 3 घंटे का आएगा जैसे कि आपको पता है, और 80 नंबर का आएगा। और ये जो पेपर है मॉर्निंग के बच्चों के लिए और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, पेपर जो रहेगा जब आपका एग्जाम होगा, तो आपको 15 मिनट पहले ये पेपर दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। 15 मिनट आपको स्टडी के लिए दिए जाते हैं पहले ही, ठीक है। आप पेपर 3 सेक्शन में जैसा कि हमने बताया आपको डिवाइड होता है। सेक्शन ए रहेगा आपका रीडिंग वाला, ठीक है, जिसमें पैसेज और नोट मेकिंग होता है। फिर सेक्शन बी रहेगा राइटिंग का, जिसमें आपका पोस्टर, डिबेट, स्पीच, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट रहता है, ये आ जाएगा, ठीक है। और सेक्शन सी में तो आपको पता ही है आपकी किताबों से एमसीक्यूज और जो क्वेश्चन आंसर है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 है, ये इसका पार्ट 1 का वीडियो होगा बच्चों। इसमें हम सेक्शन ए को बहुत अच्छे से समझेंगे और जो सेक्शन बी होगा इसको भी समझेंगे। बाकी सेक्शन सी के लिए हम इसके लिए पार्ट 2 की वीडियो बना देंगे, जिसका लिंक आपको मैं आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो आई होप कि जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। और आगे बढ़ने से पहले, कल आपका जो इंग्लिश का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मेरी तरफ से और मेरे पूरे के पूरे चैनल की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना, तैयारी में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने आपके लिए 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस लेके आई हैं, साथ ही आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर जी एक और सैंपल पेपर लेके आओ, तो हम अपना ये तीसरा सैंपल पेपर लेके आए हैं, ठीक है। तो आ जाइए, शुरुआत करते हैं। ऑल द बेस्ट आपके कल के पेपर के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है इस पेपर का, वो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स का। मैं आपको सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करवाऊँ, उससे पहले एक बात को बड़े गौर से सुनिए कि सेक्शन ए में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बेसिकली एक अनसीन पैसेज होने वाला है, ठीक है, जिससे आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में, वो भी एक अनसीन पैसेज होगा, लेकिन ये रहेगा एक केस बेस्ड, और इससे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की तैयारी के लिए क्या करें, कि आपके बड़े भाई बहन या फिर कोई दोस्त हो तो उससे आप 12th की उसकी जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो ले लो, क्योंकि उसमें ना 4 से 5 वो दे रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं, पैसेजेस, और विद सॉल्यूशन के साथ में आपके पैटर्न के अकॉर्डिंगली, तो आप उससे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस वीडियो में इसको लेके बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि नोट मेकिंग वाला होगा, ठीक है बच्चों। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पे ये आएगा 10 नंबर का, देख सकते हैं, ठीक है। कुछ 500 से 600 वर्ड का आपका ये पैसेज होगा, जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ जो नॉर्मल सेंटेंस वाले वो क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं केस स्टडी वाला रहेगा, 8 नंबर का, जो कि इस तरह से आएगा, ठीक है। और इससे भी भाई एमसीक्यू और कुछ 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो शुरुआत होगा क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि आपका 8 नंबर का होगा, और ये क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों नोट मेकिंग के बारे में। किसके बारे में है? नोट मेकिंग के बारे में, ठीक है। अब नोट मेकिंग आपको करनी कैसे है, जिससे आपको पूरे के पूरे 8 के 8 नंबर मिल सके, वो यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया
आपका जो पेपर है वो आपको 15 मिनट पहले ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप यही करना कि उस 15 मिनट के अंदर आप इस नोट मेकिंग वाले पैसेज को पढ़ लेना, ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसको अंडरलाइन कर लेना, और फिर जब नोट मेकिंग आप करोगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब नोट मेकिंग करें कैसे, तो सबसे पहले तो वही चीज मैंने आपको बताई कि आपको अपना पैसेज पढ़ना है। तो ये आप पैसेज जो देख रहे हैं ये बेसिकली दिल्ली में जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, यानी कि दिल्ली में जो पैदल यात्री होते हैं, उनका जीवनी के बारे में, ठीक है, उनको किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है, उन समस्याओं के लिए क्या कौन से कारण उत्तरदायी हैं, ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट वगैरह है, और साथ ही दिल्ली के जो सिटीजन है इनकी लाइफ कैसी है, मॉडर्न वर्ल्ड में दिल्ली का क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ ये बातें हैं बेसिकली, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, यानी कि आपने पैसेज पढ़ा है इसके आधार पे मेक नोट्स ऑन इट विद यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस वेयर एवर नेसेसरी सप्लाई अ सुटेबल टाइटल, और ये आएगा 5 नंबर, यानी कि आपके जो नोट्स हैं ये 3.5 नंबर तक के होंगे कम से कम, ठीक है। टाइटल हो गया और एब्रिविएशन, ये टोटल मिला के आपका जो है वो 1.5 नंबर यहाँ पे बनता है टोटल मिला के, ठीक है। और फिर आपको एक समरी लिखनी है मिनिमम 50 वर्ड में, जो कि आपकी 3 मार्क्स की होगी। अब आप कैसे लिखें इसको ताकि पूरे के पूरे 8 के 8 नंबर आपको इसमें मिल सके, आ जाइए उस पर ध्यान देते हैं। तो नोट मेकिंग करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ 5 नंबर के लिए क्या करना है। 5 नंबर के लिए आपको सबसे जरूरी 2 बातें याद में रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको एक टाइटल देना है, ठीक है, आपको एक टाइटल देना है, और कम से कम 4 जो है ना वो एब्रिविएशन यूज करनी है, कम से कम 4, ठीक है, तो आपको 1 से 1.5 नंबर यही मिल जाएगा। अब जो बात आती है बाकी के 3.5 नंबर की कम से कम, तो इसमें क्या करना है, आपको कम से कम 3 अपनी हेडिंग बनानी है, ठीक है, इस तरह से आपको कम से कम 3 हेडिंग बनानी है, ठीक है, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2 और हेडिंग नंबर 3, और इसी तरह से आपको हर एक हेडिंग की कम से कम 3 जो है ना 3 से लेके 4 इतनी आपको कम से कम जो इसकी सब हेडिंग्स होती हैं, अब सब हेडिंग्स में भी आप पूरे पूरे सेंटेंस में लिख देना, कुछ कुछ जो वर्ड होते हैं वही लिखना है आपको, ठीक है। तो हेडिंग और सब हेडिंग इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो आ जाइए अब हम इसे करेंगे कैसे, तो देखिए आपने जो ऊपर पैसेज पढ़ा है ना उसी में सब कुछ दिया गया है, उसी में से कुछ कुछ वर्ड आप उठा के लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने टाइटल दिया यहाँ पे कि पेडेस्ट्रियंस इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में पैदल यात्री, या फिर दिल्ली जो है वो अनसेफ है किसके लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए, तो आप और करके भी टाइटल दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आ जाइए नोट्स की बात करेंगे, तो नोट्स में सबसे पहले हमने क्या बताया है कि लाइफ इन दिल्ली फॉर सिटीजंस, ठीक है, यानी कि दिल्ली में रहने वाले नागरिक इनकी कैसी लाइफ है, तो सभी को पता है इनकी लाइफ बहुत ही फास्ट है, हर एक काम पे बहुत जल्दी करने की सोचते हैं और करते भी हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली में रहने वाले नागरिकों के लिए जो पब्लिक मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, जो कि गवर्नमेंट ने किया हुआ है, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी है, अथॉरिटी जो है वो भी कोई कार्यक्रम इनके लिए कोई कदम वगैरह नहीं उठाती है, और साथ ही दिल्ली में ऐसा देखा गया है कि अमीरी गरीबी को लेके बहुत ही ज्यादा अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत देखी जाती है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो है जो कंस्ट्रक्शन जो किया जा रहा है, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है दिल्ली के सिटीजन्स के लिए, और जो हो भी रहा है वो बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान दे रहा है, ठीक है ना। तो ये लाइफ है सिटीजन की। एंड दूसरा जो पॉइंट हमने क्या लिखा है हेडिंग में कि दिल्ली अ मेजर सिटी फॉर पेडेस्ट्रियंस, यानी कि पैदल यात्रियों के लिए दिल्ली बहुत ही ज्यादा अहम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे इनकी लाइफ है, तो लाइफ ये है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुअर मेंटेनेंस है ऑफ साइड वॉक्स, यानी कि जो सड़कें होती हैं इनके किनारे पे वो जो पैदल यात्री के लिए चलने वाली जगह होती है ना उसकी मेंटेनेंस बहुत ही खराब है, बहुत खराब है, ठीक है। डेंजरस इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन आपने देखा होगा, जैसे आप चांदनी चौक में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि दुकानों से ज्यादा ना वहां पे लाखों की संख्या में आपको वायर्स दिख जाएंगे तारों पे, ठीक है, और कहीं कहीं तो वायर का पूरा रोड सा बिछा हुआ है। तो ये जो एक इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब किया हुआ है, ठीक है। गार्बेज डंप अर्थात बहुत जगह पे जो पैदल यात्री हैं जब जाते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि सड़क के किनारे कहीं पे भी कूड़ा पड़ा हुआ है, हालांकि कूड़ा कूड़ेदान में डालने के लिए बना हुआ है लेकिन लोग उसको ऐसे ही डाल देते हैं कहीं पे भी, ठीक है ना। तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का काम देती है। अब जैसे आप किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, ठीक है ना, तो खास करके वहां पे ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है वाटर लॉस्ड फुटपैथ, यानी कि बहुत सारे गड्ढे वगैरह मिलते हैं हमें देखने को,
ठीक है, जिससे बीमारियां वगैरह फैलती हैं, तो ये पेडेस्ट्रियन की हालत है दिल्ली में, ठीक है। लेकिन आजकल मॉडर्न सिटी में क्या है पेडेस्ट्रियन की हालत, तो वो ये है कि पेडेस्ट्रियन अ किंग, यानी कि पैदल यात्री ही वर्तमान में एक राजा है, ठीक है। फ्लोर ऑफ द सिटी टू प्रोवाइड ग्रेट हेल्थ एंड द फैसिलिटीज टू चैलेंज ओल्ड एंड दी इन्फेंट चाइल्ड, यानी कि दिल्ली में वर्तमान टाइम पे क्या है कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जो है वो बना दी गई हैं, जो कि कुछ CWSN जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बस वगैरह होती है, ठीक है ना, TTC वगैरह या मेट्रो, तो उसमें चढ़ाने के लिए आजकल जो व्हीलचेयर वाले लोग होते हैं उनके लिए एक अलग सा सिस्टम दे दिया गया है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक। तो नोट मेकिंग के लिए आपका 5 नंबर का ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक। अब बारी आ जाती है, नहीं अभी 5 नंबर में 1 नंबर तो आपका एब्रिवेशन का ही है, ठीक है ना। तो एब्रिवेशन आपको वही यहाँ पे लिखनी है जो आपने हेडिंग या फिर टाइटल में यूज की है। जैसे कि हमने देखिए क्या क्या यूज किया है, हमने मैनेजमेंट, अथॉरिटी, ठीक है, और मेंटेनेंस, और यहाँ पे क्या यूज किया है, टोटल हमने 3 की है ना, हाँ एक और की इलेक्ट्रिक वाली, ये रही, टोटल 4 की है, तो वही लिख देनी है। जैसे कि मेंट को मेंटेनेंस बोलते हैं, इलेक्ट को इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, मैनेज को मैनेजमेंट बोलते हैं, और अथ को अथॉरिटीज बोलते हैं। बाकी ये तो इसमें अलग है, बेसिकली पिछली वीडियो का आ गई है, ठीक है ना। तो 4 आपने एब्रिवेशन अपनी लिख दी। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे समरी, और समरी भी हम बिल्कुल जो हमें हमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना, जो हमने हेडिंग सब हेडिंग बनाई है उसी से लिख देंगे। जैसे कि दिल्ली ऑल्सो द मेजर सिटी फॉर पेडेस्ट्रियन प्रोवाइड्स लेटेस्ट अटेंशन इन द मैटर ऑफ फैसिलिटीज, द साइड वॉक्स आर डेंजरस, जो पैदल यात्रियों के लिए साइड वॉक्स बहुत ज्यादा डेंजरस है, नैरो पुअरली मेंटेन्ड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इनका मेंटेन नहीं किया जाता, बहुत ही खराब मेंटेन है, एंड आर फुल ऑफ वुथलेस, गड्ढे वगैरह होते हैं, कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है, और बहुत ही ज्यादा डेंजरस जो इलेक्ट्रिकल थिंग्स है वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। पब्लिक मैनेजमेंट इनके लिए बहुत ही ज्यादा पुअर है, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे देखी जाती है, जो कि अथॉरिटी के द्वारा भी होती है, और अथॉरिटी इसके लिए कोई कदम भी नहीं उठाती है, ठीक है। मनी इज मिस यूज विदाउट प्रोवाइडिंग केयर ऑफ द यूजर्स, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इन पेडेस्ट्रियन के लिए जो काम करना चाहिए वो करते ही नहीं है। इन द मॉडर्न सिटी वेयर पेडेस्ट्रियन इज द किंग, द फ्लोर ऑफ सिटी शुड बी मेंटेन्ड, यानी कि आज के टाइम पे जो है फ्लोर ऑफ सिटी यानी कि जो पहले यात्रियों के लिए जगह है वो थोड़ी मेंटेन है वर्तमान में, ठीक है। कीपिंग इन द माइंड फिजिकल चैलेंज्ड ओल्ड इन इन्फेंट चाइल्ड, यानी कि उनके लिए भी बहुत अच्छा है। वुड मेकिंग दिल्ली वर्ल्ड क्लास, द अथॉरिटीज वुड वंस अगेन लुक एट द फ्लोर ऑफ द दिल्ली, यानी कि दिल्ली में अगर उसको और एक मॉडर्न वर्ल्ड बनाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो अथॉरिटीज हैं उनको एकदम शुरुआत से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें थी, नोट मेकिंग कैसे करनी है विद एग्जाम्पल के साथ में, समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। वैसे तो ये नोट मेकिंग आपके सपोर्टिंग में दी हुई है, लेकिन मुझे पता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर बी की। अब सेक्शन बी जो है ये कम से कम आपका 20 से लेके 25 मिनट तक का और बनेगा, यानी कि टोटल वीडियो आपकी 35 मिनट्स की प्लस की होने वाली है, ध्यान से देखना, हम बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझेंगे। तो सेक्शन बी में जो है ये राइट क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाले होने वाले हैं। आ जाइए एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखेंगे तो यह है एक एडवर्टीजमेंट का, क्या है ये, एक ये है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट को लिखने के लिए हम एक पहले फॉर्मेट को समझते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो एडवर्टीजमेंट को लिखने के लिए सबसे पहले तो बात यह है कि आपको सबसे पहले अपनी हेडिंग यूज करनी है, अर्थात जो एडवर्टीजमेंट है वो सिचुएशन वेकेंट का है या फिर वांटेड। वेकेंट यानी जहां पे कोई जॉब खाली है और वो अथॉरिटी ऑफर करती है, जॉब दे रही है, और वांटेड यानी कि किसी को जॉब चाहिए या फिर कोई जो है कोई क्वालिफिकेशन है वो किसी को टीच करना चाहता है, कुछ ऐसा, ठीक है। बींग विद वॉन्टेड और रिक्वायर्ड, यानी कि शुरुआत किस वर्ड से करनी है, वॉन्टेड वर्ड से शुरुआत करनी है या फिर रिक्वायर्ड, जैसे वॉन्टेड अ टीचर, रिक्वायर्ड अ टीचर, इस तरीके से, ठीक है। मेंशन नेम ऑफ द एम्प्लॉय विद एड्रेस, यानी कि आपको एम्प्लॉय का नाम बेसिकली नेम बताना है, ठीक है, किस नाम से चाहिए, और आपका जो एरिया है या फिर आपका स्कूल है, कोई ऑफिस है, कुछ भी है, आपको वो एड्रेस देना है। मेंशन द नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वेकेंट, जैसे कितनी वेकेंट है, वैकेंसीज हैं, एक है या दो है, कितनी है, ठीक है। अब जो भी आपकी वैकेंसी है, लाइक मान लीजिए कि हिंदी के टीचर के लिए वैकेंसी है, तो क्या करना है आपको उसके लिए जो जो आपको बेसिकली क्वालिफिकेशन चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड है वो बता दीजिए, और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप ही बता दीजिए, ठीक है। आप कितना पैसा दे सकते हैं या फिर सैलरी नेगोशिएबल रखेंगे आप ये भी बता दें, ठीक है।
और मोड ऑफ अप्लाइंग का क्या रहेगा, जैसे कुछ होता है ना कि इंटरव्यू के लिए होता है या फिर कोई रिज्यूम भेज देता है बस इसलिए काम हो जाता है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट किससे करना है या फिर डेडलाइन क्या है, लास्ट डेट क्या है इंटरव्यू की या फिर रिज्यूम भेजने की, तो वो बताएंगे, और कॉन्टैक्ट एड्रेस, फोन नंबर और कॉन्टैक्ट पर्सन या फिर अथॉरिटी वो बता देंगे, ठीक है ना। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक बॉक्स तो बनाना ही है, ठीक है। तो ये है आपका एक एडवर्टीजमेंट को लिखने का तरीका, मैं आपको वेकेंट पे और वांटेड दोनों पे ही बहुत अच्छे समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल बाल भारती पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली, ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द हिंदी पीजीटी टीचर अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट लाइंग वेकेंट एंड टू बी फील्ड सोन। यानी कि आपके स्कूल में जिसका नाम है बाल भारती पब्लिक स्कूल जो कि रोहिणी दिल्ली में है, यहाँ पे आपको एक हिंदी पीजीटी टीचर चाहिए जो कि परमानेंट होगा, ठीक है। और आपको जो है इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट लिखना है 50 वर्ड में। तो आ जाइए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एडवर्टीजमेंट को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारी सिचुएशन है सिचुएशन वेकेंट की, यानी कि हम एक प्रिंसिपल हैं बाल भारती जो पब्लिक स्कूल है इसके, और हम जो है हमारे स्कूल में इस जो टीचर है उसकी पोस्ट खाली है, हमें वहां पे एक टीचर चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, वांटेड या फिर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो वांटेड ए पीजीटी इन हिंदी अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट, यानी कि हमें एक पीजीटी हिंदी टीचर चाहिए, ठीक है, जो कि परमानेंट पोस्ट पे चाहिए। ओनली एक्सपीरियंस एंड हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स विद लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी विद हैविंग प्लीजिंग पर्सनैलिटी नीड टू अप्लाई, यानी कि केवल जो एक्सपीरियंस टीचर है वही अप्लाई करें, ठीक है। और जो इनकी हिंदी भाषा है वो एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हिंदी के टीचर जैसी है, और पर्सनैलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। सैलरी जो है वो एक तरीके से नेगोशिएबल रहेगी, हम आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हम आपकी जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ, अब हमने एज बता दी कितनी एज, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35, बस 35 से और 25 के बीच में जो टीचर है वही अप्लाई करें, ठीक है। वो अपना रिज्यूम भेजें, ठीक है, विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल बाल भारती पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर 100 दिल्ली, कितने दिन में, 10 दिनों के अंदर कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो सारी की सारी बातें हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के आपके जो सिचुएशन वेकेंट था कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा एक दूसरा वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसमें हमें जॉब चाहिए है उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि यू आर कृष्णा, ठीक है, और यू आर प्रीति, यानी कि आप लड़की हैं तो आप कृष्ण हैं, लड़की हैं तो प्रीति हैं। लिविंग एट धर्मा अपार्टमेंट्स, यानी कि आप धर्मा अपार्टमेंट्स में रहते हैं, एन 99 सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली, यू आर वेल क्वालिफाइड इन टीचिंग मैथ, यानी कि आप जो है मैथ को पढ़ाने के लिए बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं, और आप पढ़ाना चाहते हैं क्लास 11th और 12th के बच्चों को। इसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है, सीकिंग जॉब टू पब्लिश इन लोकल डेली, यानी कि आपको जॉब चाहिए बेसिकली, ठीक है, और किस संबंध में, कि आप मैथ पढ़ाना चाहते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है हमारी वांटेड की, यानी कि हमें खुद जॉब को चाहिए। तो लिखेंगे अवेलेबल, अवेलेबल अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ, यानी कि उपलब्ध है एक अच्छा क्वालिफाइड और एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बंदा जो कि बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट है और उसके पास में डिग्री है मैथ की, विलिंग टू टीच, और वो पढ़ाना चाहता है मैथ को क्लास 11th एंड 12th को, ठीक है, इन द इवनिंग बिटवीन 4 PM टू 8 PM। अब देखिए यहाँ पे आप स्कूल भी लिख सकते थे, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है आप कोई ट्यूशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मॉडरेट चार्जेस लिखे हैं, यानी कि जो एक ट्यूशन की फी के लिए है, ठीक है। गारंटेड रिजल्ट अबव 95% प्लस, यानी कि गारंटी है आपका जो भी बच्चा मेरे से मैथ पढ़ेगा उसका कम से कम 95% जो है मैं अपने सब्जेक्ट में उसको नंबर दिलाऊंगा। कॉन्टैक्ट कृष्णा प्रीति धर्मा अपार्टमेंट्स, और ये उसका एड्रेस और ये कॉन्टैक्ट नंबर। लीजिए सारी की सारी बातें हो गई सिचुएशन वांटेड की। तो इस तरीके से आप सिचुएशन वांटेड को लिख सकते हैं, और अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें देख लें, आपको और भी जो है मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको मैं फॉर्मेट बताऊं कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, कैसे इसको लिखना है, और कुछ एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है बेसिकली पोस्टर डिजाइन, और अभी आपको मैं बताऊंगा पोस्टर डिजाइनिंग आपको करनी कैसे है। तो क्वेश्चन पढ़े इससे पहले समझिए कि आखिर पोस्टर डिजाइनिंग जो है वो हमें करनी कैसे है, ठीक है। तो एक मैं कोई टॉपिक ले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि टॉपिक ले लिया हमने
एक सेकेंड, टॉपिक ले लिया हमने कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रीडिंग हैबिट्स, ठीक है, यानी कि बुक्स के बारे में ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अपनी थीम, टॉपिक या फिर कोई जो इवेंट है वो लिखना है। जैसे हमने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है। अब आप ये बना क्यों रहे हैं या कोई ओकेजन क्या है वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई ओकेजन है या फिर कोई पर्पस है उसका डेट टाइम और प्लेस ये भी लिखेंगे, कोई इवेंट है अगर तो, ठीक है। आपका क्या मैसेज है, यानी कि आप उसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं या फिर लोगों में कोई अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, जैसे रोड सेफ्टी वगैरह हो गया, ठीक है, कोई वार्निंग देना चाहते हैं या फिर कोई इन्विटेशन देना चाहते हैं तो वो बताएं। जैसे होता है ना कि जैसे अभी G20 का समिट हुआ था तो इन्विटेशन ही तो था एक तरीके से, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी देनी थी वो भी था, है ना। और साथ ही आप इसमें कुछ स्लोगन का यूज करें, जैसे मुहावरे वगैरह हो गए, कुछ पंच लाइन का यूज करें, एंड कुछ जैसे कैप्शन होते हैं रील्स वगैरह में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कैप्शन होते हैं दो चार वर्ड के, वैसे यूज करें, ठीक है। आप इसमें स्केच और सिंपल ड्राइंग्स, यानी कि जैसे आपने कोई सर्कल बना दिया, ठीक है, इस तरीके का कोई क्लाउड बना दिया, ठीक है, और इस तरीके का कोई पेड़ बना दिया या फिर जो है कोई बल्ब बना दिया, कुछ भी बना दिया, यानी कि ड्राइंग आपको बनानी है, उसके अंदर आप अपनी बातों को लिख सकते हैं। लेटर्स जो है वो डिफरेंट साइड एंड शेप के बनाए, यानी कि टॉपिक जो है वो आप हमेशा अपना अल्फाबेटिकल जो बिग लेटर होते हैं इसी में लिखें, बाकी को आप स्मॉल लेटर और बिग लेटर इसमें जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे इश्यू करे तो उसका नाम लिखें, और सबसे इंपॉर्टेंट 50 वर्ड में होना चाहिए और एक आपका बॉक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है कि आप एक जब पोस्टर लिखें तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे, वैसे तो क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है रोड सेफ्टी के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन वैसे यहाँ पे आपको दिखेगा कि दिया हुआ है कि कीपिंग मेट्रो नीट एंड क्लीन, लेकिन क्वेश्चन ये पिछली वीडियो में करवा दिया था। क्वेश्चन हमारा ये है कि रोड सेफ्टी वीक के ऊपर है, ठीक है ना। तो रोड सेफ्टी वीक के ऊपर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने लिया है रोड सेफ्टी वीक कब से कब तक ये चलेगा, तो 6 से 12 जनवरी तक चलेगा, कोई भी डेट आप डाल देंगे। तो देखिए टॉपिक हमने कैसे लिखा है, टॉपिक लिखा है हमने अपना एकदम बोल्ड में और जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं इन्होंने, ठीक है। डेट हमने इसी तरीके से लिखी है। अब जब हम रोड सेफ्टी की बात करें तो हमने एक त्रिभुज सा बना दिया ऐसा, और इसमें जो जैसे लाइट्स होती है ना वो ट्रैफिक लाइट, वैसे हमने 3 सर्कल बना दिए और उसका रंग दे दिया। उसके बाद हमने रोड बना दिया इस तरीके से और लिख दिया रोड सेफ्टी। उसके बाद डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, ठीक है ना, बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में लिखा कि देखो जब तुम ड्राइव कर रहे हो ना फोन मत चलाना बेटा, नहीं तो फोन चलाते चलाते पता नहीं कब भगवान को प्यारे हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब ये आपको शायद थोड़ा देखना रहा हो लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि लाइफ इज प्रीसियस, टेक केयर ड्राइविंग केयरफुली, ये एक स्लोगन है कि हमारे लिए हमारा जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस जीवन का ख्याल रखें, और जब आप गाड़ी चलाएं तो केयरफुली चलाएं, ठीक है। कैसे केयरफुली चला सकते हैं तो इसमें बेसिकली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, नेवर जंप आ रेड लाइट, कभी भी रेड लाइट को जंप मत करो, डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, कभी गाड़ी पीकर मत चलाओ, एंड नेवर यूज अ मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, कभी भी ड्राइविंग करते हुए फोन का यूज मत करो, ठीक है। मेंटेन योर व्हीकल रेगुलरली, अपने रेगुलरली या फिर वीकली जो है या फिर 2 से 3 दिन में आप जो है उसको मेंटेन करते रहें। ऑलवेज ओवरटेक फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द व्हीकल, यानी कि हमेशा जो है अपनी साइड के हिसाब से चलें। ऑलवेज कैरी व्हीकल पेपर्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस, हमेशा अपने व्हीकल पेपर्स को अपने लाइसेंस को अपने साथ में लेके चलें, नहीं तो आपका चलान कटेगा, ठीक है। ऑलवेज ड्राइव इन योर लेन, हमेशा अपनी लेन में ही चलें, एंड यूज प्रॉपर इंडिकेटर्स, जब आप लेफ्ट या राइट जा रहे हैं तो उसका इंडिकेटर देकर ही आप उसको मुड़ाएं, ठीक है ना, बिफोर यू चेंज द लेन, यानी कि लेन को चेंज करने से पहले। किसके द्वारा इश्यू किया गया बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है, एंड हाईवेज, और किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये चीज थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। तो आपने देखा हमने क्या क्या बातों को ध्यान में रखा, सबसे पहले तो हमारा टॉपिक विद बोल्ड लेटर्स, ठीक है, एक आगे हमारी ड्रॉइंग, एक आगे हमारा स्लोगन, और हम जो देना चाहते थे बेसिकली इंस्ट्रक्शंस या फिर वार्निंग वगैरह कुछ इस तरीके से, और ये किसके द्वारा इश्यू किया गया वो आ गया। एक और मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप और अच्छे समझ पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक था कि बुक्स मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंस बुक्स के लिए हमने लिखा है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, तो ये हमने लिख दिया। अब एक ड्राइंग बना दी हमने किताब की, अब इसमें एक स्लोगन लिख दिया हमने क्या कि इस स्लोगन ये है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, रीड इट, यानी कि किसी को भी उसके बाहरी आवरण से कभी भी जज मत करो, बस उसे पढ़ो, ठीक है।
योर स्कूल लाइब्रेरी हैज 10,000 बुक, तुम्हारी स्कूल की लाइब्रेरी में 10,000 से ज्यादा बुक्स हैं, टेक अ बुक कार्ड एट डोंट डिले, देरी मत करो और एक बुक लो और आज से पढ़ना शुरुआत कर दो। व्हेन यू आर ग्लूमली, जब आप बहुत ज्यादा उदास होते हैं, व्हेन यू आर लोनली, जब आप बहुत ज्यादा अकेले होते हैं, whenever you have no any friends, whenever someone not understand you, then the one of the most important, one of the best friend of yours is book, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि books जो है वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, जैसे हमने 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाई ये बातें बताई गई हैं और ये रियलिटी में भी है, ठीक है? जब आप बहुत ज्यादा उदास होते हो, अकेले होते हो, आपका दोस्त, आपके घर वाले आपको नहीं समझ पाते, कोई टेंशन ही ऐसी होती है, तब ऐसा होता है, ठीक है? बुक से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, खुशी मिलती है और जानकारी भी। रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट, थिंक बेस्ट, जब आप अच्छा पढ़ोगे जब आप तभी आप अच्छा बोलोगे, जब आप अच्छा बोलोगे तो आप अच्छा सोचोगे। रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन, यानी कि पढ़ने वाला ही, मतलब रीडिंग मेक्स, जब आप पढ़ते हैं तभी आप एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, यानी कि पढ़ाई को एक रेगुलर हैबिट बना लो, सिंपल है, ठीक है ना? तो ये दो मैंने आपको बता दिए। तो पोस्टर डिजाइनिंग कैसे करनी है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा स्पीच राइटिंग। तो स्पीच राइटिंग, अभी स्पीच है ना ये, हाँ देखो स्पीच राइटिंग ही है हमारी, ठीक है? तो ये रही, अब स्पीच राइटिंग के लिए भी यहाँ पे कुछ बातों को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है? सबसे पहला क्या, गिव द टाइटल एट द टॉप, जो भी आपका टाइटल है आपको टॉप पे लिखना है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको हमेशा अल्फाबेटिकल जो बिग लेटर होते इसी में ही लिखना, ठीक है? शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई व्यूज, अब जो आपका टॉपिक है वो लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद में जब आप स्पीच देंगे तो याद रखिएगा स्पीच शुरुआत जो है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस से ही होगी, ठीक है? उसके बाद डिफाइन द टॉपिक, पहले पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, टॉपिक को डिफाइन कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है, देख लेते हैं क्या है एक बार। ओके, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इसके टॉपिक को डिफाइन करेंगे, फिर बताएंगे कि हमें ये करना क्यों चाहिए, क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं और वर्तमान में लोग इसको करते हैं या नहीं करते हैं ये बता देंगे, ठीक है? फिर आपको क्लैरिटी देनी है कि या कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम और अच्छा बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पैराग्राफ में हो, ठीक है? और हमेशा जो है आप आने वाले समय के लिए उसमें कुछ बातें भी बताएं, ठीक है? और साथ ही एक बार जरूर बोल के जाएं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है? ये चीज़ें। तो अब आ जाइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो लिखा हुआ क्वेश्चन 6 में, यू आर राहुल और अमीशा ऑफ क्लास 11 थे, यू आर वेरी वरीड अबाउट योर स्टूडेंट्स एग्जाम्स बिकॉज चिल्ड्रन वेस्ट देयर टाइम इन दिस, यानी कि अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं बच्चों के एग्जाम के लिए, क्योंकि बच्चे अपना टाइम जो बहुत ज्यादा खराब करते हैं। राइट अ स्पीच टू गिवन इन द मॉर्निंग मीटिंग या फिर मॉर्निंग असेंबली टेलिंग देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम इन विच 120-150 words highlight the importance of time during the exam. ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? समय के महत्व को बताना है आपको जब परीक्षा होती है उस समय, ठीक है? तो टाइटल लिख देंगे हम importance of time management during exams. तो पहला हो गया हमारा टाइटल। अब शुरुआत की जो लाइन है वो लिख देंगे, respected principal, teachers and all my dear friends, a very good morning to all of you. Today I Rahul और I Amisha of class 11th A आई यहाँ पे आएगा, आई एम हेयर टू स्पीक ऑन द टॉपिक ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है? तो आपको सिर्फ इतनी ही चीज के एक नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर इतनी चीज के मिल जाएंगे आपको, ठीक है? शुरुआत की लाइन और टाइटल के, ठीक है? अब बाकी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है, और पैराग्राफ नंबर 3, ये है आपके बाकी के 4 नंबर के पॉइंट, ठीक है? और सबसे आखिरी में थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ये चीजें। अब देखिए हमने लिखा क्या है, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी डे, यानी कि टाइम मैनेजमेंट हमें जो है रोज बनाना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डूइंग मोर, इट्स जस्ट अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करने से ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे काम को एक साथ कर लेंगे, नहीं, हम टाइम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम हर एक काम को हर एक समय पर राइट समय पर कर सकें। व्हेन वी मैनेज आवर टाइम वेल, वी कैन गेट मोर डन, फील लेस स्ट्रेस्ड एंड हैव अ बेटर बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, यानी कि जब हम टाइम को मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अपने काम को सही टाइम पे कर पाते हैं, हम बिना किसी स्ट्रेस के उसे कर पाते हैं, ठीक है? साथ ही हम अपने टाइम के बीच में और अपनी लाइफ के बीच में एक बेटर बैलेंस बना पाते हैं, ठीक है? ये सही बात भी है। जैसे मान लीजिए अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं तो आप एक अच्छा सा अपना एक टाइम टेबल बनाओ
कि मुझे अपना, जैसे कल आपका पेपर है ठीक है, तो आज मैं क्या क्या पढ़ूंगा, किस टाइम पे क्या क्या पढ़ूंगा ठीक है, उसमें आप बेसिकली थोड़ा सा टाइम जो है अपने इंजॉयमेंट के लिए भी निकालना ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी भी होगी, यानी कि आपका काम भी डन हो गया ठीक है, आप स्ट्रेस भी फील कम करेंगे और बेटर बैलेंस होगा आपका एग्जाम का भी और आपके बीच का भी ठीक है। वेर एवर यू आर स्टूडेंट ट्राइंग टू जंगली स्कूल फ्रेंड्स एंड हॉबीज और ए वर्किंग प्रोफेशनल विद डेडलाइंस टू मीट नोइंग हाउ टू मैनेज योर टाइम इज श्रेयस, यानी कि जब चाहे आप स्कूल में हैं ठीक है, या चाहे आप दोस्तों के साथ में हैं, या फिर आप चाहे कुछ भी खेल खेल रहे हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में, हर एक चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसके माध्यम से हर एक अपने काम को हर एक समय पर कम समय में और अच्छे से कर पाते हो ठीक है। कभी भी अपने एक लास्ट मिनट को भी वेस्ट मत करो। वट इज इट नॉट जस्ट वर्क, टाइम मैनेजमेंट कोई काम नहीं है, गुड टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो लेट्स यू एंजॉय योर हॉबीज, यानी कि जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो वो आपकी हॉबीज पर भी ध्यान देता है। स्पेंड क्वालिटी टाइम ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है क्या होता है कि कुछ घंटे आपके पास में बच जाते हैं, तो उन घंटे को आप अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में और अपनी हेल्थ के लिए जिम या व्यायाम वगैरह करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इट्स लाइक द फाउंडेशन ऑफ बींग सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन वट एवर यू डू, यानी कि ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं और खुश रह सकते हैं। सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज टू टेक द टाइम मैनेजमेंट सीरियसली, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस टाइम मैनेजमेंट को सीरियसली लें। लर्न टू प्लान योर डेज, सेट गोल्स एंड डिसाइड व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि पहले देखो कि तुम्हें करना क्या है कल ठीक है, आपके गोल्स क्या है, फिर डिसाइड करो कि कौन सा काम पहले करना है, उस हिसाब से टाइम को डिवाइड करो। फाइंड टूल्स एंड ट्रिक्स कैसे काम को करेंगे ठीक है, एंड बाय मैनेजिंग योर टाइम वेल यू कैन मेक योर लाइफ बेटर एंड मोर सेटिस्फाइंग। रिमेंबर टाइम इज लिमिटेड टू यूज इट वाइजली, यानी कि टाइम हमारे पास बहुत कम है इसीलिए इसको एकदम अच्छे से यूज करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ठीक है। तो आ गया समझ में आपको अच्छे तरीके से कि आपको एक जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ स्पीच कैसे लिखनी है आप बता देंगे। अब सेकंड वाली जो स्पीच है इसका मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, इसका टॉपिक है कहाँ गया हमारे, इसका टॉपिक टॉपिक पढ़ते हैं एक बार। ओके ठीक है, यहाँ पे है कि द पुअर क्वालिटी ऑफ अनहाइजीनिक फूड सप्लाइड एट द सम ऑफ द फास्ट सेंटर फूड सेंटर्स इन योर लोकेलिटी विच हाईली डिटरमेंटल टू हेल्थ, यानी कि हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं कि फास्ट फूड और जंक फूड के बारे में। तो आप इसको अपने आप से लिखिएगा ठीक है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी आप देख लेना। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है इसमें कि यू आर सचिन और सीमा, यानी कि आप सचिन या सीमा हैं फ्रॉम इंडियन पब्लिक स्कूल दिल्ली। इन टूडेज वर्ल्ड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज इंक्रीजिंग, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऑन वन हैंड पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड अनदर हैंड देयर हैव बीन लॉस ऑफ एज वेल, यानी कि एक जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों को फायदा हुआ है उसी तरह से लोगों को नुकसान भी है। यू कैन गिव अर आर्गूमेंट फॉर अगेंस्ट द प्रपोजल, यानी कि आप आर्गूमेंट दें और इसके अगेंस्ट में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम मोशन की बात करेंगे ठीक है। तो डिबेट की शुरुआत करने के लिए एक लाइन जो आपको इस तरीके से लिखनी है कि ऑनरेबल जूरी मेंबर्स टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स, अ वेरी चेयरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टूडे, आई एम सचिन है सबिन हो गया ये तो, सचिन एंड सीमा रिप्रेजेंट माई व्यूज इन फेवर ऑफ द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि आप सभी को नमस्कार। ऑनरेबल मैम ज्यूरी मेंबर्स टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, आज मैं सीमा या सचिन अपने विचार को रखने वाला हूँ उसके पक्ष में, किसके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में जो कि वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है। आ जाइए शुरू करेंगे। वी लिव इन अ डिजिटल एज वेयर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेज अ पिवोटल रोल और इन शेपिंग ऑफ अ सोसाइटी एंड वी फिर्मली बिलीव इन दिस मिड्स, यानी कि आज हम वर्तमान जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहते हैं, यानी कि जिस वर्ल्ड में रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसा रोल प्ले करती है जो हमें, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, इन सभी को एक साथ में जोड़ रखती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विच इकोम्पसेस टेलीविजन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो भी आ जाता है इसी में, इसी में इंटरनेट आता है और सोशल मीडिया भी आ जाता है इसमें, हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द वे ऑफ कम्युनिकेट एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड द कनेक्ट विद द वर्ल्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फायदा ये हुआ है कि आज पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है, लोग किसी भी दुनिया के कोने बैठ के और किसी भी दुनिया के कोने के
जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। फर्स्टली इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाँ सर्व एज ए पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शिक्षा को और जागरूकता को और बढ़ाया जा सकता है। सो डॉक्यूमेंट्रीज यानी कि डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से एंड इंफॉर्मेटिव वेबसाइट के माध्यम से इट स्प्रेड्स नॉलेज फॉर द वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड में नॉलेज को फैलाया जाता है। मेकिंग क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल, क्वालिटी की एजुकेशन जो है क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, लोगों को और ज़्यादा पता चलता है। मोर एवर इट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्लोबल इवेंट्स इन रियल टाइम, पोस्टिंग एज वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। सेकेंडली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सप्रेशन यानी कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फ्री आपके लिए सिंपल सा आपने एक जी मेल आई डी बनाई है उसी से आप इस वीडियो को देख पाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। एंड डिजर्व वॉइसेस सोशल मीडिया फॉर इंस्टेंस एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स एम्पलीफाई एंड चेंज इट्स अ विचुअल इंस्ट्रूमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड द सोशल जस्टिस। यानी कि वर्तमान में क्या होता है आपने देखा होगा कि किसी के साथ में कोई भी कुछ गलत होता है तो आजकल सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डाल देते हैं और वो वीडियो अगर गवर्नमेंट के पास में पहुंचती है तो वो उसके माध्यम से न्याय कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड लास्टली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्यूल्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, क्योंकि आज हम इंटरनेट के माध्यम से नई नई चीज़ों को सीख पाते हैं इसीलिए अर्थव्यवस्था को इनोवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इट्स द बैकबोन ऑफ द काउंटलेस इंडस्ट्रीज यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनका एक ये बैकबोन है बिकॉज इसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल प्रोग्रेस होता है। इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल कॉमर्स कनेक्टिंग बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। ये चीज़ें आती है। इन कंक्लूजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज कम एन इंटरनल पार्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ इनहेंसिंग एजुकेशन फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है जो कि एजुकेशन को कम्युनिकेशन को और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। वाइल कंसर्न्स अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी एग्जिस्ट द बेनिफिट्स फॉर आउटवेक द ड्रॉबैक्स मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनवेल्युएबल असिस्ट इन आवर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। यानी कि अगर हम थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन को हटा दें और प्राइवेसी को थोड़ा सा हटा दें तो बाकी बहुत अच्छा है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये चीज़ें ठीक है। तो ये हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पक्ष में, ठीक है ना। अब दूसरी जो हम बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विपक्ष में बात करेंगे, ठीक है। तो विपक्ष में लिखेंगे ऑनरेबल जूरी मेंबर्स टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स अ वेरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम रवि या फिर आई एम अमीशा राहुल व्हाटएवर आई एम हियर टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन अगेंस्ट द मोशन। वी एक्नोलेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में। बट वी ऑल्सो बिलीव दैट इज अनरेगुलेटेड प्रोलिफिकेशन पॉस सिग्निफिकेंट चैलेंज एंड रिस्क। यानी कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। फर्स्टली द अनचेक्ड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो गलत होती है और वो फैल जाती है ऑफ्टन विदाउट प्रॉपर फैक्ट चेकिंग हैज गिवन राइज टू एरा ऑफ द फेक न्यूज। इससे क्या होता है फेक न्यूज का एरा चल जाता है, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड सेंसेशनलिज्म हैव द पावर ऑफ मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन अंडरमाइन ट्रस्ट इन इंडस्ट्रियंस एंड इनएक्ट स्टिकल डिस्कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्टेंट दे डिसमिनेट। यानी कि वर्तमान में क्या है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो कैसे फैल जाती है और लोग इसके बारे में अपना पब्लिक ओपिनियन देना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। इससे इंडस्ट्रीज को, ठीक है, सोशली लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी उनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन ना फैला पाए। सेकेंडली द एडिक्टिव नेचर ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल डिवाइसेस हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ पर्टिकुलरली अमोंग द यंगर जनरेशन कंस्टेंट। यानी कि सेकेंडली जो है आज के टाइम पे जो एडल्ट्स हैं उनको सोशल मीडिया ने एक तरीके से जकड़ लिया है, ठीक है ना। उनकी हेल्थ को, उनके मेंटल हेल्थ को और उनकी फिजिकली हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा खराब कर रही है, ठीक है। और भी कुछ एक दो बातें हैं आप इसको पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। ऑनली अराउंड जो 40 मिनट्स के आसपास हमारे हो चुके हैं, ठीक है।
अब दूसरे वाले को देख लेंगे, मैं आपको दूसरा वाला बता देता हूँ कि है कि ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन स्टाइल। बहुत ही आसान है ये, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इसलिए मैं सिर्फ दिखाऊंगा इसमें, ठीक है ना। तो लिखेंगे ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल फॉर द मोशन, यहाँ पे आ जाता है। बाकी आप इसे चाहो तो यहाँ से पहले शुरुआत हो जाती है, फिर इंट्रोडक्शन और उसके केयर्स एंड रीजंस और क्या कंक्लूजन है वो आ जाता है। फिर अगेंस्ट द मोशन की बात आएगी तो आप यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी इसलिए मैं आपको बस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें बेसिकली हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है जो कि एडिटेड नहीं है, हमें उसमें से एक एरर को पहचानना है और उसे करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है जिसमें कहा गया वंस अपॉन द टाइम, यानी कि ये स्टोरी जो है वाज वर में चलने वाली, यानी कि पास्ट में चलेगी। तो वंस अपॉन द टाइम इन ए स्मॉल टाउन, ए की जगह यहाँ पे बेसिकली दी आएगा, ठीक है। देयर इज ए, जैसे मैंने आपको बताया ये पास्ट में चलेगी, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा वाज। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन देयर इज अ लाइब्रेरी दैट हेल्ड अ सीक्रेट, एवरी बुक ऑन इट्स स्लेव्स हैव द पावर। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया हैव की जगह क्या आएगा, हैव की जगह आएगा हैड, तो हैव द पावर टू ट्रांसपोर्ट रीडर्स ऑफ द वर्ल्ड विद इन इट्स। तो यहाँ पे ऑफ जो है ना, रीडर्स ऑफ नहीं, रीडर्स टू आएगा, ठीक है। एन क्रिएसियस, अब देखिए जब भी ए के साथ में आई ओ यू आता है, ए ई आई ओ यू आता है, तब वहां पे एन आता है, लेकिन यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एन की जगह क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। स्टम्बल इंटू दिस इनहेंशियंट लाइब्रेरी, तो इंटू की जगह क्या आएगा, अपॉन आएगा, ठीक है ना, इंटू की जगह अपॉन। शी पिक्ड अप, यहाँ पे पिक्ड आएगा, बेसिकली पिक लिखा हुआ है ना, पिक्ड अप आएगा। एंड फाउंड हरसेल्फ ऑन अ मिडिवल किंगडम, तो एक किंगडम के ऊपर पाया जाता है, नहीं, एक किंगडम इन, यानी कि उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। बहुत ही आसान था, तो पैराग्राफ कौन सा खराब था कौन सा सही था समझ गए। एक और क्वेश्चन रहता है सबसे आखिरी वाला, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बेसिकली हमें चार सेंटेंस दिए गए हैं जिसे हमें रिसेंबल करना है, और इसमें पता है रिसेंबल करने के लिए एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मैंने एक ही लिया बेसिकली, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है पार्क द कार इन द ड्राइवर नियर द कलरफुल गार्डन, तो लिखेंगे कि इस तरीके से पार्क द कार नियर द कलरफुल गार्डन इन द ड्राइवर, यानी कि गार्डन में कार को पार्क करो जहाँ पे मेनली गाड़ी को पार्क किया जाता है। सेकंड, चिल्ड्रन प्ले ग्लीफुली इन द स्नो ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज, तो कैसे लिखेंगे, चिल्ड्रन प्ले ग्लीफुली ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज इन द स्नो, एंड इन द कोजी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स साइलेंटली रीड कैप्टिवेटिंग बुक्स फॉर हार्स, तो लिखेंगे इन द कोजी लाइब्रेरीज स्टूडेंट साइलेंटली रीड कैप्टिवेटिंग बुक्स फॉर आवर्स। एंड द लास्ट वन कि इन द एनहेंस्ड फॉरेस्ट मिथिकल क्रिएचर्स क्रिएटेड द मैजिकल एटमोसफियर एंड रोम्ड फ्रीली, ये चीजें थी, ठीक है। तो कुछ ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये समझ में आ गए। अब यहाँ पे जो है हमारा सेक्शन सी आएगा, तो आप सभी को अगर चाहते हैं कि आपके लिए मैं पार्ट टू की वीडियो लेके आऊँ, अगर आप चाहते हैं तो बताना मुझे, ठीक है। वैसे तो मैं लेके ही आऊँगा, अगर आपको थोड़ा और जल्दी चाहिए तो बता देना, ठीक है। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप सभी को आपके इंग्लिश के मिड टर्म एग्जाम के लिए जैसे मैंने आपसे कहा मेरी तरफ से मेरे चैनल की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करके आना, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़िए। आप चाहते हैं पार्ट टू लिखे हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।